हे टेक लवर्स, आपका स्वागत है मोबाइल फंडा के एक और टिप्स एंड ट्रिक्स के नए एपिसोड में, जहां आज का फंडा है इंस्टॉल HyperOS 2.1 डायनेमिक वॉलपेपर्स ऑन एनी HyperOS 2 डिवाइसेस। मगर इसमें एक कैच है कि कुछ यूजर्स चाह के भी इन्हें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और वो क्यों वो आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वहीं अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी मिलती रहे। दोस्तों, बात करें आज के इन HyperOS 2.1 डायनेमिक वॉलपेपर्स की, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने लॉक स्क्रीन पे, फिर कस्टमाइज लॉक स्क्रीन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें HyperOS 2.1 के 7 डायनामिक वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है ये क्रैकर्स वाला लेआउट, जिसे अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें ये कुछ ऐसे एनिमेशन के साथ देखने को मिलेगा। दूसरा है अर्बन स्टोरीज वाला लेआउट, जिसे अप्लाई करने पर कुछ ऐसे एनिमेशन के साथ देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें कुछ माउंटेन्स के भी डायनामिक वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे, जो हमें HyperOS 2.0 में भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट लेआउट की बात करें तो वो है ये बिग क्लॉक वाला लेआउट, जिसे अप्लाई करने पर हमें कुछ ऐसे एनिमेशन देखने को मिलेगा। वहीं लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ये स्ट्रीट वाला लेआउट, जिसे अगर हम अप्लाई करें तो ये कुछ ऐसे एनिमेशन के साथ दिखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई इन डायनेमिक वॉलपेपर्स की बात। अब फंडा ये है कि इन्हें कैसे इंस्टॉल किया जाए, तो इस प्रोसेस को ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको नीचे कमेंट्स में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बैकअप फाइल मिलेगी, उसे डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको जाना है अपने फोन के सेटिंग मेनू में, फिर अबाउट डिवाइस, फिर बैकअप एंड रिस्टोर, फिर मोबाइल डिवाइस, फिर यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं उन्हें अनचेक करना है, और अदर सिस्टम ऐप डाटा पे टैप करके नीचे की ओर आना है, और यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को चेक करके इसकी बैकअप ले लेनी है। उसके बाद आपको अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना है, फिर इंटरनल स्टोरेज, फिर MIUI, फिर बैकअप, फिर ऑल बैकअप, और जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आपने अभी बैकअप किया है उसको किसी दूसरे फोल्डर पे मूव करना है, और जो फाइल आपने कमेंट से डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे मूव कर देना है। फिर इतना करने के बाद आपको फिर से जाना है अपने फोन के सेटिंग मेनू में, फिर अबाउट फोन, फिर बैकअप एंड रिस्टोर, और फिर मोबाइल डिवाइस। उसके बाद आपको रिस्टोर सेटिंग पे जाना है, और जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आपने बैकअप किया था उसे रिस्टोर कर देना है। तो फिर जैसे ही आप अपने लॉक स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये HyperOS 2.1 के 7 डायनामिक वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से यूजर्स इन्हें चाह कर भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिनके भी फोन पे ट्रांसलूसेंट कंट्रोल सेंटर सपोर्ट नहीं करता है, मतलब के जिनके फोन में ग्रे कंट्रोल सेंटर है, वो इस फीचर को इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करेगा। बाकी अगर आपके फोन में ट्रांसलूसेंट कंट्रोल सेंटर है तो आप इन्हें आसानी से ऊपर बताए गए प्रोसेस से इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे आपके फोन पे ये फीचर इंस्टॉल हुआ कि नहीं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो फिर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।